सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरा दीपा दिला गेमिंग यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि एपिक स्टोर के अपकमिंग 3 गेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। और जो लोग इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले गेम की तरफ चलते हैं। किलिंग फ्लोर 2 ये एक हॉरर गेम है जिसको बहुत ही खतरनाक मर्डरस क्लोन है जिसको जिद कहते हैं, आप लोग जॉम्बी भी कह सकते हैं। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसको आप फर्स्ट पर्सन मोड में खेल सकते हैं। इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं जो अलग ही लेवल का फीलिंग देता है। आप देख सीख सकते हैं इसका ग्राफिक्स ही बहुत ही ओपी लग रहा है गाइस। और आप इसको अपना रिक्वायरमेंट का हिसाब से चला सकते हैं। जैसे ये 3 GB RAM, 4 GB RAM, मैक्सिमम 4 GB RAM में चल सकता है। स्टोरेज आपका 100 GB लेगा। बहुत ही कमाल का गेम आने वाला है। सो गाइस, इसको जरूर लीजिएगा। और डायरेक्ट X11 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं अगले गेम की तरफ। इसका नाम है लाइफलेस प्लैनेट। ये है थर्ड पर्सन एक्शन एंड एडवेंचर गेम है। इस गेम में एक बंदे ने दूसरे प्लैनेट का खोज करता है जो बहुत ही कमाल का 20 अनोखा एटमोस्फेरिक इन्वायरमेंट है। इस गेम की स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के है। और भी बहुत से कमाल के लोकेशन जो आपको इस गेम में देखने को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भी बहुत से मिस्ट्रीज आपको इस गेम में देखने को मिल जाएगा, तो इस गेम को ट्राई करना बनता है। और ये आराम से 3 GB RAM के डिवाइस में आराम से चल जाएगा। तो अब चलते हैं अगले गेम की तरफ। इसका नाम है द एस्केपिस्ट 2। ये गेम पहले आने वाला था बट किसी प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं आया, लेकिन फाइनली ये गेम एपिक स्टोर में आ चुका है। ये गेम जेल के कैदी के ऊपर है जो बहुत ही मजबूत जेल को तोड़कर भागना चाहता है, जिसमें वर्ल्ड के मजबूत जेल को एक्सप्लोर करता है। और ये किसी भी डिवाइस में आपका चल जाएगा। और ये तीनों गेम में आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए। 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा, फुल लाइफ टाइम के लिए गेम। तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं अपकमिंग गेम के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।